नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, जयराम की आवास पर भी खर्च हुआ धन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की कोठियां सरकार की संपत्ति हैं। सरकारी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव आम प्रक्रिया है। केवल मात्र मंत्रियों की कोठियों पर ही पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि जयराम ठाकुर की सरकारी कोठी की मरम्मत पर भी धन खर्च किया गया। पिछली भाजपा सरकार के समय भी मंत्रियों के कार्यालय और कोठियों की मरम्मत का कार्य भी समय समय पर हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बार बार दिल्ली जाकर प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में अड़ंगे लगा रही हैं। पिछले साल आई आपदा से हुए नुकसान से जुड़े लगभग 10,000 करोड़ रुपए की क्लेम राज्य सरकार ने केंद्र को भेजे, लेकिन हिमाचल भाजपा नेताओं के दबाव में इसे रोका जा रहा है। स्कूल्स के पानी की गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर हिमाचल, बिहार, झारखंड की हालत सबसे खराब। आजादी के बाद से ही नागरिकों को स्वच्छ जल पहुंचाना शायद सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं रहा। यही कारण है कि 2019 के बाद से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के साथ स्कूल तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। इसके बावजूद स्थिति ये है कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 50% स्कूल में अब तक नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंचा पाए। इस व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक बेहतरीन उदाहरण है, जबकि प्रमुख राज्यों में सबसे उदासीन परिणाम 21.40% के साथ बिहार और झारखंड का है। बाढ़ प्रभावित समेज में लापता लोगों का तलाशी अभियान बंद, सरकार से की ये मांग। बाढ़ प्रभावित समेज गांव में लापता लोगों की तलाश में चल रहा सर्च अभियान अब स्थानीय बाशिंदों की सहमति से बंद कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में जुटे केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों का सरपारा पंचायत के प्रधान मोहन लाल कपाटिया ने बेहतरीन काम करने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने 21 अगस्त को मौके पर रहकर पूरे अभियान को सफल बनाया। कहा कि प्रदेश सरकार गत वर्ष आई आपदा की तर्ज पर इन लोगों को स्पेशल पैकेज की घोषणा करे। समेज बाढ़ प्रभावितों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, जो आज की महंगाई में कुछ भी नहीं है। शिमला में पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का दूसरा ट्रायल सफल। हिमाचल प्रदेश के विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आधुनिक सुविधाओं से लैस पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का दूसरा ट्रायल सफल हो गया। रेलवे विभाग की संयुक्त टीम की देखरेख में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रायल किया गया। कालका से ट्रेन सुबह करीब 10:37 पर चली, जो दोपहर 2:25 पर शिमला पहुंची। शोघी में ट्रेन में लगे सेंसर्स की जांच भी की गई। पैनोरमिक विस्टाडोम की नई ट्रेन का 7 कोच के साथ ट्रायल किया गया। 3 जिलों की 24 वर्ष पुरानी 46 पेयजल स्कीम्स का होगा जीर्णोद्धार। एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा वित्तीय मदद। हिमाचल में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने और जल आपूर्ति व स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पुरानी पेयजल स्कीम्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जिले की भी 46 स्कीम्स पर जल्द ही कार्य शुरू होने वाला है। 24 वर्ष से पुरानी इन स्कीम्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय मदद मिली है। केंद्र सरकार के द्वारा इनके जीर्णोद्धार का कार्य एक निजी कंपनी को अवार्ड किया गया तथा प्रदेश के जल शक्ति विभाग की देखरेख में ये कार्य होगा। हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब 21 नवंबर को। प्रदेश हाईकोर्ट में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाथी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर के लिए टल गई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में जारी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस रोक को बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने जनजातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के 1 जनवरी 2024 को जारी उस पत्र पर भी रोक लगाई, जिसके तहत उक्त क्षेत्र के लोगों को जनजातीय प्रमाण पत्र जारी करने बाबत जिलाधीश सिरमौर को आदेश जारी कर दिए गई थी। 500 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, मोबाइल पर पाबंदी। हिमाचल विधानसभा की सुरक्षा में 500 से अधिक जवानों की तैनाती होगी, जबकि होमगार्ड के 60 जवान भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। मोबाइल फोन विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त विधानसभा परिसर में सत्र के दौरान एक एम्बुलेंस भी डॉक्टर के साथ विधानसभा परिसर में तैनात रहेगी।
आगंतुक और स्कूली बच्चे विधानसभा सचिवालय से जारी पास मिलने के उपरांत ही विधानसभा की कार्यवाही देख सकेंगे। यह आदेश आगामी मानसून सत्र के दृष्टिगत विधानसभा सचिवालय में सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दिए। मंडी मध्यस्थता योजना के नियमों से बागवान नाराज। प्रदेश में सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के नए निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों को लेकर बागवान उखड़े हुए हैं। इस पर रणनीति बनाने के लिए नारकंडा में 22 अगस्त को बागवानों की बैठक बुलाई गई, जिसमें व्यापक रणनीति बनेगी और बागवान सरकार की खिलाफत पर उतर सकते हैं। बागवान नहीं चाहते कि MIS के नए नियम इस सीजन से लागू हों, लिहाजा इस मामले में बागवान प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिलेंगे और अपने मामले को उठाएंगे। रूट परमिट बदलवाने व इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने के लिए 18 सितंबर तक करें आवेदन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने बताया कि प्रदेश परिवहन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बिलासपुर की बैठक 18 सितंबर को होगी। बैठक में वाहनों रूट परमिट से संबंधित आवेदनों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम व निजी बस मालिक रूट परमिट के क्षेत्र में बढ़ोतरी या परिवर्तन, सीटिंग क्षमता में परिवर्तन किए जाने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए 27 अगस्त से 7 सितंबर तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। पटवारी कानूनगो ने 2 माह तक स्थगित किया आंदोलन, अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारी कानूनगो ने 2 माह के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि यदि स्टेट काडर करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई तो पटवारी कानूनगो तत्काल प्रभाव से कलम छोड़ो आंदोलन पर उतर आएंगे। हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी और कानूनगो महासंघ के प्रधान सतीश चौधरी ने बताया कि उनकी मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद्र शर्मा के साथ बातचीत हुई, इससे उनको मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पटवारी कानूनगो ने मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद 2 माह तक के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 26 अगस्त से शुरू हो रही मणिमहेश यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू, प्रति यात्री ₹20 शुल्क। आधिकारिक तौर पर श्री मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगी। यात्रियों को पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा प्रदान की जा रही है। यात्री मणिमहेश न्यास की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा पर उपलब्ध होगी। हर यात्री से ₹20 पंजीकरण शुल्क व स्वच्छता शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। एंटी फ्रॉड हार्डवेयर तैयार करेगी NIT हमीरपुर। लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फेज 3 नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि इस बड़ी परियोजना के लिए NIT हमीरपुर को मंत्रालय ने एक प्रमुख भागीदार के रूप में चुना है। ब्लॉकेज खोलने में लगे बुजुर्ग की नाली में गिरकर मौत। पुरानी मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर के साथ गली में मंगलवार सुबह एक बुजुर्ग की नाली में गिरने से मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कुमार चंद 73 वर्षीय निवासी पुरानी मंडी मंगलवार को अपने आंगन में टहल रहे थे और इस दौरान उन्होंने घर के साथ बह रही पानी की नाली में ब्लॉकेज देखी। ब्लॉकेज को खोलने के दौरान ही वो नाली में गिर पड़े। जब स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग का पैर नाली में देखा तो बाहर निकाला। इसके बाद कुमार चंद को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। SP मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और जांच जारी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।